नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों G7। तो दोस्तों ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में ये G7 सबमिट हुई है फ्रांस में, और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2019 और 2020 में भी जो भी परीक्षाएँ होंगी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सबमिट होती है। तो इससे रिलेटेड परीक्षा में एक क्वेश्चन तो ज़रूरी आना है। तो आज के इस वीडियो में हम जो भी पढ़ेंगे वो पूरा G7 सबमिट कवर कर देंगे, जिससे कि आपका परीक्षा में अगर G7 सबमिट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे बड़े ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं G7 है क्या। तो G7 यानी आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि ग्रुप ऑफ सेवन, इसे ग्रुप ऑफ सेवन भी कहते हैं दोस्तों। इसमें 7 देश होते हैं, ठीक है। इसमें 7 देश हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। अब इसमें दोस्तों हैं कौन कौन से देश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, ब्रिटेन है और अमेरिका है, ठीक है। इसमें G7 में ये 7 देश शामिल हैं, ठीक है। तो इनके सभी का आपको नाम पता होना चाहिए और इसे ग्रुप ऑफ 7 कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 7 देशों का दुनिया की 40% GDP पर कब्जा है। अब दोस्तों बड़ी बात ये भी है कि जब ये G7 बनाया गया था, अभी हम इसके हिस्ट्री की भी चर्चा करेंगे, तब जो ये दुनिया की टोटल GDP पर इनका कब्जा जो होता था वो 75% होता था। लेकिन अब चूंकि आप जानते हैं कि जो इसमें कंट्री हैं वो बाकी कंट्रीज़ ज़्यादा उठ रही हैं धीमे धीमे, इंडिया और इधर एशिया में चाइना जो है, ये कंट्रीज ज़्यादा ऊपर उठ रहे हैं, इस कारण से इनका जो GDP परसेंटेज है वो डाउन हो गया है, ठीक है। तो ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 40% GDP पर इनका अभी भी लेकिन कब्जा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये समूह जो है खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज़ कहता है, ठीक है, यानी कि मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय मानता है अपने आप को, ठीक है। अब दोस्तों इसमें और क्या है, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन और समृद्धि और सतत विकास इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। तो ये इनके सिद्धांत बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इन सभी को आप एक बार देख लीजिए। और इस बार का ये G7 सम्मिट जो हुआ है ये कहाँ पे हुआ है, तो दोस्तों फ्रांस में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? फ्रांस के बायरिट्स में हुआ है 2019 का। और दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट ये भी है कि ये 45वां G7 सम्मिट था जो कि 2019 में हुआ है फ्रांस के बायरिट्स में, ठीक है। तो 44वां दोस्तों कहाँ पे हुआ था? तो 44वां यानी इसका पिछला वाला 2018 में G7 सम्मिट कहाँ हुआ था, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों हुआ था आपका कनाडा में, क्यूबेक में, ठीक है। क्यूबेक एक शहर है कनाडा का, तो वहाँ पे इसे हुआ था, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट हम इसके इतिहास के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई और भी सारी चीज़ें कब हुई, ठीक है। तो शुरुआत में यहाँ 6 देशों का समूह था। तो दोस्तों सबसे पहले जब इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, तब इसे G6 के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इस बैठक में वैश्विक आर्थिक संकट के संभावित समाधानों पर विचार किया गया था। तो उस बैठक में क्या हुआ था कि इन सब मुद्दों पे बात हुई थी। और ये G6 जब 6 देश इसमें थे, तो ये दोस्तों इसकी बैठक कब हुई थी? इसकी बैठक हुई थी 1975 में। और कहाँ पर हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फ्रांस में हुई थी, तो फ्रांस के पेरिस शहर में हुई थी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों देखिए, साल 1998 में इस समूह में रूस भी शामिल हुआ, ठीक है। कैसे कौन शामिल हुआ इसको हम पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या था, मैंने बताया आपको, जब 1975 में इसका गठन किया गया तो उस समय G6 था, यानी उसमें 6 देश शामिल थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1976 यानी 1975 में गठन हुआ, उसके एक साल बाद ही 1976 में इसमें कौन शामिल हो गया? कनाडा शामिल हो गया। तो कनाडा के शामिल होते ही ये G6 से क्या हो गया दोस्तों? G7 हो गया, ठीक है। G7 हो गया। कब कनाडा शामिल हुआ? 1976 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, G7 जब बन गया तो उसके बाद फिर इसमें एक कंट्री की और एंट्री हुई, वो कौन है दोस्तों? रूस, जिसे हम रसिया बोलते हैं। तो रसिया शामिल हो गया इसमें 1998 में। तो ये क्या हुआ, G6 से G7 बन गया था, लेकिन जैसे ही रूस इसमें एंट्री मारी रूस ने, तो ये G7 से क्या हो गया दोस्तों? G8 हो गया। तो इसका नाम क्या बदल के हो गया? G8। लेकिन अब दोस्तों हुआ क्या कि सन 2014 में रूस इससे बाहर हो गया, मतलब जो G8 था उससे बाहर हो गया, तो एक कम हो गया। तो अब क्या हो गया दोस्तों? फिर से ये
जी सेवन हो गया, तो इसलिए ये जी सेवन इसको फिर से मान्यता दी गई है। ठीक है, तो अब रूस बाहर क्यों हुआ ये भी जान लेते हैं दोस्तों। तो इसमें हुआ क्या कि रूस ने साल 2014 में यूक्रेन के काला सागर प्रायद्वीप जिसे क्रीमिया बोलते हैं उस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, इसके बाद रूस को G8 से बाहर कर दिया गया क्योंकि रूस के इस अतिक्रमण को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कभी मान्यता नहीं दी। ठीक है, तो G7 के देशों का मानना है कि वो किसी भी ऐसे फैसले का समर्थन नहीं देंगे जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक सही ना हो। तो इस कारण से अब आपको पता ही चल गया होगा कि रूस ने क्या किया, 2000 में यूक्रेन के जो क्रीमिया शहर पे था उसको कब्जा कर लिया, जिसके कारण क्या हुआ कि इनको G8 पहले था उसमें से इन्हें हटा दिया गया और फिर क्या हो गया ये फिर से G7 बन गया। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब रूस की एंट्री हुई और कब रूस बाहर गया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों G7 का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों G7 खुद को मूल्यों का आदर करने वाला उस समुदाय के रूप में देखता है जो दुनिया भर में शांति सुरक्षा और आज़ादी के लिए खड़ा है। मतलब ये किन किन बातों पे बात करते हैं, शांति सुरक्षा और आज़ादी के लिए ये अपना सबमिट करते हैं हर साल। तो स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन, समृद्धि और सतत विकास इसके अहम सिद्धांत हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं, तो G7 देशों के मंत्री और नौकरशाह आपसी हितों के मामले पर चर्चा करने के लिए हर साल मिलते हैं। ठीक है, तो G7 जो ग्रुप ऑफ 7 देशों का है इसमें क्या होता है कि इन सभी जो भी देश इसमें शामिल है G7 में उनके मंत्री और नौकरशाह ये सभी लोग आपसी हितों के मामलों पर चर्चा करने के लिए एक हर साल में मिलते हैं। ठीक है, प्रत्येक सदस्य जो देश है वो बारी बारी से इस समूह की अध्यक्षता करता है। तो जैसे इस बार दोस्तों किसी ने अध्यक्षता की, फ्रांस ने की। ठीक है, तो उसके पिछले साल किसने अध्यक्षता की थी दोस्तों, तो उसने की थी कनाडा ने। जैसा कि अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया था कि 2018 का जो G7 समिट था वो कहाँ हुआ था, कनाडा में हुआ था। कनाडा के किस शहर, क्यूबेक में हुआ था। ठीक है, तो अध्यक्षता की और दो दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। मतलब ये दो दिवसीय कार्यक्रम होता है शिखर सम्मेलन, तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह प्रक्रिया एक चक्र में चलती है। ऊर्जा नीति, जलवायु परिवर्तन, HIV/AIDS और वैश्विक सुरक्षा जैसे कुछ विषय हैं जिन पर पिछले शिखर सम्मेलनों में चर्चाएं हुई थीं। ठीक है, अब शिखर सम्मेलन के अंत में एक सूचना जारी की जाती है जिसमें सहमति वाले बिंदुओं का जिक्र होता है। यानी कि जो भी कंट्रीज हैं G7 में वो सभी मिलकर एक सूचना जारी करते हैं कि हमारी किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है और क्या क्या हमारे भविष्य में हम करने वाले हैं इस चीज़ से रिलेटेड आपस में मिलके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों G7 की संरचना की, इसकी संरचना का मॉडल क्या है। तो G7 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि इनका कोई भी खुद का सचिवालय नहीं है, ना ही कोई ऑफिस है, ना ही इस संगठन का कोई कानूनी स्वरूप है। ठीक है, तो जो देश G7 का अध्यक्ष होता है वही इसके कामकाज के लिए ज़रूरी संसाधन मुहैया कराता है। मतलब जिस कंट्री में ये G7 सबमिट होगी वही, मतलब जो इसका अध्यक्ष होगा G7 का वही उसका अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, और वही उसका ग्रुप का एजेंडा भी तय करता है। जैसे कि इस बार क्या हुआ दोस्तों कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस बार की बैठक के लिए आर्थिक और सामाजिक असमानता और लैंगिक असमानता को मुख्य एजेंडा तय किया। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो इसको ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इस बार का टॉपिक क्या था, थीम क्या थी G7 की। तो दोस्तों होती सामाजिक असमानता, लैंगिक असमानता और आर्थिक। ठीक है, इन चीज़ों पर ये G7 की बैठक बुलाई गई थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत को खास निमंत्रण। जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि G7 में भारत नहीं है। ठीक है, भारत नहीं है, लेकिन फिर भी इनको बुलाया गया था। तो क्यों बुलाया गया था ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो G7 में भारत को आमंत्रण दुनिया में एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में भारत की पहचान और फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ भारत की प्रधानमंत्री की पर्सनल केमिस्ट्री का सबूत है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इस कारण से इनको बुलाया गया था क्योंकि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ इनकी केमिस्ट्री बहुत ही ज़बरदस्त है, और दूसरा जो भारत है एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में विकसित हो रहा है, अपने आप को विकसित कर रहा है, इस कारण से भी इनको बुलाया गया था। तो इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट, जलवायु, समुद्री सुरक्षा और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर सेशन को क्या करेंगे, संबोधित करेंगे। तो अब दोस्तों बता लेते हैं कि यहाँ पर क्यों बुलाया गया था। तो फ्रांस के राष्ट्रपति जो थे
इमैनुअल मैक्रो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनका नाम आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है। ये बगल वाले हैं और ये अपने पीएम मोदी हैं, ठीक है। तो G7 के इस बार के अध्यक्ष हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ्रांस में हो रहा, तो जहाँ पे जिस कंट्री में भी ये G7 सबमिट होता है वहाँ का ही अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। तो इस बार इमैनुअल मैक्रो थे अध्यक्ष, तो अध्यक्ष होने के नाते उन्हें गैर सदस्यीय देशों को, यानी जो सदस्य नहीं है G7 का, उनको भी इस सम्मेलन में आमंत्रित करने का अधिकार है। तो मतलब ये अध्यक्ष के ऊपर होता है कि वो किसको बुलाना चाहते हैं गैर सदस्यों में से, ठीक है। तो इमैनुअल मैक्रो ने किसको चुना दोस्तों, तो जी हाँ, भारत देश को चुना और प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया इसी कारण से। तो G7 की अध्यक्षता सदस्य देश करते हैं, हर सदस्य देश बारी बारी से G7 की अध्यक्षता करते हैं। तो दोस्तों अब आप लोगों का क्वेश्चन आप लोगों के लिए यही है, कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट जो 2020 में होने वाला है G7 समिट, वो किस देश में होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको पिन कर दूंगा, बाकी लोग आप लोग देख लेना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें कि G7 जो कि 2020 में होने वाला है वो किस देश में आयोजन किया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं G7 के सामने चुनौतियाँ क्या हैं। तो G7 समूह देशों के बीच असहमतियाँ भी हैं। अब दोस्तों इतने बड़े कंट्रीज़ हैं तो उनमें आपस में असहमति भी रहेगी। तो पिछले साल कनाडा में हुए शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अन्य सदस्य देशों के साथ मतभेद हो गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के आरोप थे कि दूसरे देश अमेरिका पर भारी आयात शुल्क लगा रहे हैं, पर्यावरण के मुद्दे पर भी उनका सदस्य देशों के साथ मतभेद था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चुनौतियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो समूह की आलोचना इस बात के लिए भी की जाती है कि इसमें मौजूदा वैश्विक राजनीति और आर्थिक मुद्दों पर बात नहीं होती है, ठीक है। और बात कर लेते हैं, भारत और ब्राज़ील जैसी तेज़ी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं ने इस समूह को चुनौती मिल रही है जो G20 समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब भारत और ब्राज़ील जैसे जे देश जो कि G20 में तो हैं, G20 में हैं लेकिन G7 में नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ वैश्विक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि G20 के कुछ देश 2050 तक G7 के कुछ सदस्य देशों को पीछे छोड़ देंगे। मतलब कि 2050 तक G20 के जो देश हैं, जैसे कि उनमें भारत भी है, ब्राज़ील भी है, ये सारे देश क्या होंगे कि 2050 तक G7 के जो सदस्य हैं उनको पीछे छोड़ देंगे, यानी उनको पिछाड़ देंगे अर्थव्यवस्था के भी मामले में और हर मामले में भी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, G7 पे खतरा मंडराने लगेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, ये था हमारा करंट इशू से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा G7 से रिलेटेड। अब जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप लोग बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। तो अगर ये आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल ब्लैकबोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोज़ मिलने वाली हैं। ऑलरेडी हमने बहुत से वीडियोज़ डाल रखे हैं करंट इशू से रिलेटेड भी, तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके हमारी देख सकते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे जिसके ज़रिए आप उस प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते हैं। अगर आप कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का ही क्यों ना हो, तो आप उसके लिए भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट करके। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आप तक उस वीडियो को पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।